यदि आप कोल्ड कैनवासिंग करना चाहते हैं, आप घर घर जाकर या दुकान दुकान जाकर सर्वे करना चाहते हैं, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से सर्वे करना है, किस बात का ध्यान रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब मीटिंग में जाएंगे तो वहाँ क्या बातें करना है, आपको किस तरह से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, यानी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों या आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए अब जान लेते हैं उन बातों को जिनका ध्यान आपको कोल्ड कैनवासिंग करते समय रखना है। तो जो हमारे पहले नंबर की टिप्स है वो ये है कि जब भी आप कोई एरिया डिसाइड करें कि आपको इस एरिया में काम करना है, तो आप एक नक्शा बनाएं, एक मैप बनाएं कि आप सोमवार के दिन किस जगह पर काम करेंगे, मंगलवार के दिन किस इलाके में काम करेंगे, बुधवार के दिन किस इलाके में काम करेंगे। यानी आपका एक पूरा के पूरा मैप बनना चाहिए कि आप किस दिन कहाँ पर काम करेंगे, कहाँ पर डोर टू डोर सेल्स करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो डोर टू डोर सेल्स होता है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना होता है, काफ़ी ज़्यादा हमें दरवाजे खटखटाने होते हैं। तो यदि हम आज यहाँ 5 घर पर यदि डोर टू डोर सेल्स करने जाएंगे, वो कल वहाँ जाएंगे, परसों वहाँ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें हमारा ही नुकसान होगा और हमें डोर टू डोर सेल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं सेकेंड टिप्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी सेकेंड टिप्स है वो ये है कि जब भी आप किसी के घर डोर टू डोर सेल्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको समय का ध्यान रखना कि आपको किस समय जाना है। तो देखा जाए तो यदि आप किसी के घर डोर टू डोर सेल्स के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको सुबह कम से कम 9 या 10 बजे से पहले जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, यदि वो काम करता है, जॉब पे जाता है, तो यदि वो सुबह यदि देखा जाए तो 9 या 10 बजे बाद ही अधिकतर व्यक्ति जॉब के लिए जाता है। तो यदि आप पहले जाएंगे तो वो व्यक्ति आपको घर पर मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से बात कर पाएंगे। और यदि आप 9-10 बजे के लगभग जाएंगे या उसके बाद जाएंगे, तो ज़्यादातर जो लोग हैं आपको वो मिलेंगे जो जल्दबाजी में होंगे, जो अपनी ड्यूटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब रही बात शाम की, तो शाम के समय आपको कम से कम 6 या 7 बजे बाद ही जाना चाहिए, ताकि जो कमाने वाला व्यक्ति वो घर आ चुका होगा और आपकी बातों को ध्यान से वो सुन सकेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो दिन का समय होगा, ये आपका बच जाएगा। अब जो दिन का समय आपका बच गया, इस समय में आप किसी के घर मत जाइए, क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय में जो घर पर महिलाएं होती हैं वो अकेली होती हैं, और इस समय यदि आप उनके घर जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है ज़्यादा जगह से आपको खाली हाथ ही आना पड़े। इसलिए आप सुबह और शाम के समय में ही डोर टू डोर सेल्स करें, और दिन के समय में आप क्या कीजिए, आप कंपनियों में जाइए, कारखाने में जाइए, मतलब जहाँ जहाँ काम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कई लोग मिल जाएंगे जिनसे आप बीमे के बारे में बात कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप डोर टू डोर सेल्स के लिए सुबह और शाम का समय घर का रखें, इसके अलावा जो दिन का समय आप वो कंपनियों का रखें, कारखानों का रखें। तो दोस्तों ये हमारी 2 टिप्स हो चुकी हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की टिप्स के बारे में। तो जो तीसरे नंबर की टिप्स है वो ये है कि जब भी आप किसी के घर की घंटी बजाएंगे, तो जो भी व्यक्ति निकल कर बाहर आएगा, तो सबसे पहले उसका अभिवादन आप एक स्माइल के साथ कीजिए, और स्माइल देने के बाद उसे आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए, जो इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार होना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ही डिसाइड करेगा कि वो व्यक्ति आपको सुनेगा या नहीं सुनेगा, या वो अपने घर का दरवाजा आपके लिए वापस से बंद कर देगा। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। अब जो हमारी 4th नंबर की टिप्स है वो ये है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन उस व्यक्ति को दे चुके होंगे, और वो व्यक्ति आपसे कहता होगा कि हाँ बताइए आपके प्लान के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको अपने प्लान के बारे में यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ इस तरह से बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या बेनिफिट देगा। यानी उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि यदि वो आपके प्रोडक्ट को ले लेता है, आपके प्लान को ले लेता है, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो हो सके तो आपको इसी तरह से बताना है आपके प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कि वो व्यक्ति लेने को मजबूर हो जाए, यानी उस व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट की नीड महसूस हो। तो आपको इसी तरह से अपने प्लान के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि दोस्तों यदि हम प्लान अच्छे से बताएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताएंगे, तो ही वो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को लेगा। और वैसे भी यदि डोर टू डोर सेल्स देखी जाए, तो इसमें हमें बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। यदि हम 20 दरवाजे खटखटाएंगे, तो 15 या 16 दरवाजे तो हमारे लिए खुलेंगे ही नहीं, वो लोग हमसे बात करना
करना पसंद ही नहीं करेंगे, लेकिन 3 या 4 ऐसे दरवाजे होंगे जो हमसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे और वो हमसे कुछ ना कुछ ले भी लेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको जो अपना प्लान बताना है, जो प्रोडक्ट बताना है, वो इस तरह से बताना है कि उस व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट की नीड महसूस हो और वो आपका प्रोडक्ट ले लें। आइए अब बात करते हैं 5वें नंबर की टिप्स के बारे में। तो जो हमारे 5वें नंबर की टिप्स है वो ये है कि जब भी आप डोर टू डोर सेल्स के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन देखने को मिलेंगे। तो आपकी फील्ड में जो भी ऑब्जेक्शन हो, चाहे आप इंश्योरेंस में हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, जिस भी फील्ड में हो, जो भी ऑब्जेक्शन आपकी फील्ड के हो, उन सभी ऑब्जेक्शन के जवाब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब डोर टू डोर सेल्स के लिए जाए तो जो भी व्यक्ति आपको ऑब्जेक्शन दे तो आप उस व्यक्ति को जवाब दे पाए, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही आसानी से बिक जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं 6वें नंबर की टिप्स के बारे में। तो हमारी जो 6वें नंबर की टिप्स है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी जो आपका टाइम है उसको मैनेज करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाए। क्योंकि दोस्तों जो डोर टू डोर सेल्स होती है इसमें हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और कई बार हम फालतू ही घंटों बैठ के विचार करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कम से कम अपने 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने की प्लानिंग करना है और हमें ये कसम खाना है कि हम इतने दिनों तक किसी भी तरह का फालतू विचार नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपना जो काम है कि हम इतना सर्वे करना चाहते हैं या इतने घर हम विजिट करना चाहते हैं, तो हम अपने काम पर ही ध्यान देंगे और 3 महीने 2 महीने जो भी हमने समय डिसाइड करा है उतने समय में सिर्फ हम यही काम करेंगे, बाकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगे, जिससे हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये सारी वो बातें थी जिनका ध्यान आपको कोल्ड कैनवासिंग के समय रखना है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि चलो ठीक है, आपने ये बातें तो बताई जिनका ध्यान हमको कोल्ड कैनवासिंग के समय रखना है, लेकिन हमें बातें क्या करना है, किस तरह से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो वैसे देखा जाए तो अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिनका उपयोग करके आप बहुत ही आसानी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिटायरमेंट के बारे में, यानी आप किस तरह से घर घर या दुकान दुकान जाकर रिटायरमेंट के ऊपर बात करके बहुत ही आसानी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप उस व्यक्ति के पास मीटिंग में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या बातें बोलना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक ना करा हो तो लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो चलो आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े से बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हो, जब उसने अपनी शुरुआत करी थी तो वो करी थी सर्वे से, तो आपको भी सर्वे ही करना है। मैं जानता हूं अब आपके मन में जो सवाल होगा वो यही होगा कि यार सर्वे तो चलो ठीक है, लेकिन यदि हम किसी के पास जाते हैं इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर कंडीशन में लोग हमें मना ही कर देते हैं। वो हमसे यही कहते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, नहीं चाहिए हमें इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बिल्कुल भी लोगों के पास जाकर इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करना है, आपको बात करना है पेंशन के ऊपर। क्योंकि देखा जाए तो एक व्यक्ति की जो नीड है भविष्य की वो पेंशन है ही, क्योंकि यदि व्यक्ति रिटायर होगा यानी बूढ़ा होगा तो उसे उस समय खर्चे तो लगेंगे, लेकिन उसके पास पैसा या तो बहुत कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास रिटायरमेंट में यानी बुढ़ापे में पेंशन का इंतजाम होना ही चाहिए। तो देखा जाए तो आपको लोगों के पास जाकर जो बातें करना है, जिस पर सर्वे करना है, वो है पेंशन। तो आइए बात करते हैं कि आपको किस तरह से सर्वे करना है। आप एक पेन और एक डायरी अपने साथ रखिए और अपने घर से बाहर निकल जाइए। आप जिस भी इलाके में सर्वे करना चाहते हैं, जिन भी दुकानों पर जाना चाहते हैं, जिन भी घरों में जाना चाहते हैं, आप वहां जाइए। और जिस भी दुकान पर आप जाते हैं, जिस भी घर आप जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप उनसे कह सकते हैं, भैया मेरा नाम अवधेश उपाध्याय, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और अभी मैं एक पेंशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे अभी आपका सिर्फ 2 मिनट का समय चाहिए, तो क्या मैं अभी आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? अब दोस्तों जब इस तरह से आप किसी व्यक्ति से कहोगे तो ज्यादातर कंडीशन में व्यक्ति आपको 2 मिनट का समय दे देगा, क्योंकि आपने कोई बहुत ज्यादा समय उससे नहीं मांगा है। और यदि आप व्यक्ति के पास गए, उससे पेंशन के बारे में बात करना चाहते हैं और अच्छे से आप तैयार होके गए, तो व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा, वो आपसे यही कहेगा, हाँ ठीक है आप कहो, क्या कहना चाहते हो बताओ। तो इसके बाद आपको उस व्यक्ति से कहना है, भैया जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब वो अपने काम से रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दी जाती है, जिससे कि उनके आगे के जो भी
खर्चे होते हैं उसे वो बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाते हैं। देखा जाए तो भैया मैं जिस पेंशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके रिटायरमेंट में पेंशन मिल सके, जिससे कि उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, वो हमेशा सर उठा के जिए, एक सम्मान का जीवन जिए, उन्हें कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। तो भैया देखा जाए तो रिटायरमेंट में यानी बुढ़ापे में खर्चे तो आपको भी लगेंगे, तो यदि उस समय आपको भी गवर्नमेंट पेंशन मिले तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? अब दोस्तों जब आप ये बातें किसी से करोगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा, ज्यादातर कंडीशन में लोग आपसे यही कहेंगे, हाँ बिल्कुल हम गवर्नमेंट पेंशन लेना चाहेंगे, बताओ हमें कैसे मिलेगी। तो इसके बाद आपको उस व्यक्ति से अगला सवाल पूछना है, भैया आप कौन सी उम्र से पेंशन लेना चाहेंगे, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल। अब उस व्यक्ति को जिस भी उम्र में पेंशन चाहिए होगी वो आपको बता देगा। इसके बाद आपको उससे अगला सवाल पूछना है, भैया हर महीने आपको कितने रुपए की पेंशन मिले तो चलेगा, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, उसको जो भी अमाउंट बताना होगा वो आपको बता देगा। तो जब वो व्यक्ति आपको बता दे कि उसे किस उम्र से पेंशन चाहिए, वो उसे हर महीने कितनी पेंशन चाहिए, तो इसके बाद आपको उस व्यक्ति से कहना है, भैया पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेने के लिए कि किस तरह से आपको गवर्नमेंट पेंशन मिल सकती है, मैं आपको किस तरह से गवर्नमेंट पेंशन दिला सकता हूं, वह इसके क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, वह आपके परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में जानने और समझने के लिए आपको 20 मिनट का समय देना होगा। और ये 20 मिनट का समय भैया आपको अभी नहीं देना, मैं अपॉइंटमेंट लेकर के आपके पास दोबारा आऊंगा। तो बताइए भैया मैं आपसे कल सुबह 9 से 12 के बीच में मिलूं या शाम को 4 से 8 के बीच में। तो दोस्तों जब आप किसी व्यक्ति से इस तरह से बातें करोगे तो वो व्यक्ति आपसे ज्यादातर कंडीशन में यही कहेगा, ठीक है आप हमसे कल सुबह 9 से 12 के बीच में मिलो या 4 से 8 के बीच में मिलो, जो भी समय वो आपको देना चाहता होगा, जिस भी समय मिलना चाहता होगा वो आपको बता देगा। इसके बाद आप उससे अगला सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ठीक है मैं सुबह 10 बजे का समय लिख लूं, क्योंकि देखा जाए तो उसने 9 से 12 का समय आपको बताया है, लेकिन किस समय आना है शायद हो सकता है आपको वो ना बताए, तो यदि आप उसे समय दे देंगे तो आपके हिसाब से मीटिंग फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने समय के मुताबिक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम पूछ लेना है, उसका मोबाइल नंबर पूछ लेना है और उसे थैंक यू कहकर कि भैया आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तो इस तरह देखा जाए तो आप उस व्यक्ति को थैंक यू कहिए और आगे निकल जाइए। इसके बाद आप जिस भी दुकान जाना चाहते हैं, जिस भी घर जाना चाहते हैं, आप वहाँ चले जाइए और अपना सर्वे कंटिन्यू करिए। और देखा जाए तो यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाके इस तरह से बातें करोगे तो एक व्यक्ति पे जो आपका समय खर्च होगा वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का ही होगा। तो देखा जाए तो यदि आप 1 घंटे भी सर्वे करते हो तो आप 10 से 12 लोगों से मिल पाओगे, क्योंकि आपको कोई ज्यादा दूर नहीं जाना, आप किसी भी जगह खड़े हो जाओ वहां पर आपको 10-12 घर एक साथ मिल ही जाएंगे। और यदि आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां पर आपको 10-12 दुकान एक साथ मिल ही जाएगी। यानी देखा जाए तो किसी भी जगह जाकर यदि आप 1 घंटे भी सर्वे करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 से 12 दुकानों या 10 से 12 घरों का सर्वे आप बहुत ही आसानी से 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यदि आप इस काम को ज्यादा समय के लिए करते हैं, यदि आप दिन भर में 2 घंटे या 4 घंटे देते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाओगे, और जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उतनी ज्यादा आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। तो जब आप मीटिंग के लिए किसी कस्टमर के पास जाएं तो सबसे पहले तो आप अपना एजेंडा उसे बता दें, यानी जो आप मीटिंग करने आए उस मीटिंग का क्या एजेंडा है, यानी आप उस व्यक्ति से क्यों मिलने आए, उसके पास क्यों आए। तो आप उस व्यक्ति से कहें कि भैया जैसा कि हमारी कल बात हुई थी गवर्नमेंट पेंशन के बारे में, जिसके लिए आपने मुझे 15 मिनट का समय दिया था, तो क्या हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। अब वो व्यक्ति समझ जाएगा कि नहीं यार, इस व्यक्ति ने मुझसे समय मांगा था, वो 15 मिनट का मांगा था। तो अब वो व्यक्ति हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा और वो हमें कहेगा कि हाँ कही है। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को थैंक यू कही है, उसके बाद उस व्यक्ति से पूछिए कि भैया पेंशन किसको मिलती है, गवर्नमेंट जॉब वाले को, लेकिन भैया पेंशन की आवश्यकता किसे है, सभी को है, चाहे जॉब करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे वॉचमैन हो। तो देखा जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति को उसके बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में पैसा लगेगा ही लगेगा, यानी सभी को पेंशन की आवश्यकता है। भैया आप क्या करते हैं, अब वो व्यक्ति आपको बताएगा कि मैं नौकरी करता हूँ या मैं दुकान चलाता हूँ, वो जो भी आपको बताए। तो आपको उस व्यक्ति से कहना है, भैया आज आप जॉब करते हैं, आज आप 8 घंटे 10 घंटे खूब मेहनत करते हैं, और इस मेहनत के जरिए जो भी आप पैसा कमाते हैं उसी पैसे से आप अपने खर्चे व आपके घर के जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन भैया आज से कुछ सालों बाद, 20-25 सालों बाद, यानी जब आपकी उम्र 60-70 साल की हो जाएगी, उस समय हो सकता है आपका शरीर आज के जितना आपका साथ ना दे, आप आज की जितनी मेहनत ना कर पाओ, लेकिन भैया खर्चे तो लगेंगे आपको, और हो सकता है उस समय आपको जो खर्चे लगे आज से ज़्यादा ही लगे।
तो देखा जाए तो आपके रिटायरमेंट में यानी बुढ़ापे में आपको भी पैसों की आवश्यकता होगी, आपको भी पेंशन की जरूरत होगी। और इस तरह से यदि देखें तो रिटायरमेंट में हर व्यक्ति को पेंशन की आवश्यकता होगी ही होगी, लेकिन पेंशन मिलता किसको है? गवर्नमेंट जॉब वाले को। और भैया आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी 2004 या 2005 से गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए जो पेंशन है वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भैया, मालूम है आपको? क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि हम जो पेंशन दे रहे हैं उससे भी अच्छा पेंशन LIC ऑफ इंडिया यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे रही है, तो क्यों ना पेंशन देने का काम इसे ही दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए पेंशन देने का काम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया। और भैया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेंशन सभी को दे सकती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसे ही पेंशन देना है, यह हर व्यक्ति को पेंशन दे सकती है। आइए भैया आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पेंशन देती है वो किस तरह से देती है। तो भैया गवर्नमेंट पेंशन में क्या होता है कि जिस दिन से कोई व्यक्ति काम ज्वाइन करता है यानी जॉब ज्वाइन करता है तो उस दिन से उसकी इनकम का 8 से 10% कटता जाता है। अब मान लो उस व्यक्ति ने 40 साल 45 साल 50 साल तक काम किया, अब उसका जो भी उस समय की इनकम थी उसका 8 से 10% कटता गया। मान लो इन 40, 45 या 50 सालों में उसका जो फंड है वो इकट्ठा हो गया 1 करोड़ का। तो भैया उसका जो फंड है वो इकट्ठा हो गया 1 करोड़ का, लेकिन भैया उसे पेंशन कितना मिलेगा मालूम है आपको? उसे पेंशन मिलेगा उसकी लास्ट इनकम का 50%। मान लो उसकी जो लास्ट इनकम थी 60,000 थी, तो आप उसे पेंशन के रूप में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 30,000 रुपए। तो भैया उसका जो फंड है वो है 1 करोड़ का और उसे जो पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा वो 30,000 रुपए। अब भैया भगवान ना करे लेकिन 2-4 साल बाद यानी रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये मिलेगा उसकी वाइफ को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया उसकी वाइफ को भी कितना पेंशन मिलेगा आप जानते हैं? जो पेंशन उस व्यक्ति को मिल रहा था उसका भी 50%, यानी 30,000 का देखा जाए तो 15,000 रुपये पेंशन के रूप में उसकी वाइफ को मिलेगा। और 2-4 साल बाद भगवान न करे लेकिन उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो 1 करोड़ रुपये का फंड जमा था ये पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट पेंशन। आइए भैया आप देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेंशन यानी हमारी कंपनी का पेंशन। तो भैया जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब में पैसा कटता है उसी तरह से आप हमारी कंपनी में भी पैसा कटाना शुरू कीजिए, बचाना शुरू कीजिए। मान लो किसी व्यक्ति ने 20 साल 25 साल या 30 सालों तक पैसा LIC ऑफ इंडिया में बचाया, उसका जो फंड है वो इकट्ठा हो गया 1 करोड़ का। अब भैया उस व्यक्ति को इस 1 करोड़ फंड के ऊपर जो पेंशन मिलेगा वो 50% नहीं मिलेगा, वो पूरे 100% मिलेगा। और भैया भगवान ना करे लेकिन 2-4 साल बाद कभी उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये मिलेगा उसकी वाइफ को। और उसकी वाइफ को कितना? उसे भी 50% नहीं, पूरे 100%। अब भैया भगवान ना करे लेकिन 2-4 साल बाद कभी उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो उसका फंड इकट्ठा था 1 करोड़ रुपए का ये मिल जाएगा उसके बच्चों को। तो भैया ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेंशन। तो भैया देखा जाए तो कौन सा पेंशन अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करने वालों को गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है वो वाला, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पेंशन दे रही है वो वाला? और भैया गवर्नमेंट ने भी देखा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा पेंशन दे रही है, तो गवर्नमेंट ने भी पेंशन देने का काम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया। तो भैया मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपके पास आया हूँ आपको हर महीने पेंशन दिलाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सारी बातें मीटिंग में उस व्यक्ति से करना है, और जब आप ये बातें कर लेंगे तो उसे एहसास होगा कि नहीं यार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पेंशन दे रही है वाकई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अच्छा दे रही है, और जब हम पेंशन ले सकते हैं तो क्यों ना पेंशन ले ली जाए। तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि हाँ बताइए आप कौन सा प्लान देना चाहते हैं, तो आप कुछ भी प्लान उस व्यक्ति के हिसाब से बनाकर उसे दे सकते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह आप कोल्ड कैनवासिंग की मदद से बहुत ही आसानी से लोगों से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप उन लोगों के पास मीटिंग में जाओगे तो वहाँ पर भी आप एक बहुत ही शानदार बात करके उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही आसानी से बेच पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो यदि वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे एजेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।